तो दोस्तों, मैं हूँ आपका उजाल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि यार देखो, बाइक का पिकअप, कोई भी बाइक होती है, कभी जैसे बाइक के पिकअप के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो पिकअप के अंदर जब भी प्रॉब्लम आती है हम किसी भी के पास भी लेके जाते हैं, किसी भी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो वो हमें बोल तो हम उसे बता दें कि मेरी बाइक पिकअप नहीं ले पा रही, ठीक है, रेस ज़्यादा खींचनी पड़ रही है हमें, तब जाके वो बाइक स्पीड पकड़ रही है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़ एक तो आपकी हम सब जानते हैं, जैसे कि क्लच प्लेट, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लच प्लेट की। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है हमारी टैपेट। टैपेट जो होती है वो बाइक के हेड पे होती है, और जहाँ पे पिस्टन होता है ना, पिस्टन के ऊपर वाले साइड पे टैपेट होता है, तो उसकी प्रॉब्लम भी आती है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि क्लच प्लेट चेंज करवाने से पहले आप पहले अपनी बाइक का टैपेट चेक करवा लो। कहीं ये तो नहीं है कि आपकी बाइक का टैपेट वो ढीला हो या टाइट हो। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ, क्लच प्लेट चेंज करवाने से पहले तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात देखो, दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम अपनी बाइक क्लच टैपेट की जब भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारी बाइक के अंदर टिक 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 की ना आवाज़ आएगी। एक आपको वैसी मिलती है जब हम इंजन ऑफ करते तब एक टिक 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 की आवाज़ आती है, वो वाली जो टैपेट की आवाज़ होगी ना वो बाइक को स्टार्ट करते टाइम पर आएगी। तो इस चीज़ का ना आप खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कोई भी बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, कुछ भी हो, उसका इंजन ना खुले, ठीक है। इंजन का चाहे क्लच प्लेट हो, ये बहुत छोटी चीज़ है, क्लच प्लेट हो या कोई भी एक पिस्टन चेंज हो, मैं खुद ये चाहता हूँ कि मैंने अपनी बाइक को इसलिए आज तक कभी नहीं खुलवाई। मैंने बस एक बार ही वो सीसी बढ़वाई थी, 25 सीसी बढ़वाई थी, तभी मैंने पिस्टन चेंज करवाया था, उसके अलावा और कुछ काम नहीं करवा रखा। तो ये चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि हमेशा पहले टैपेट ही चेक करवा लो। अगर बाइक के चलते टाइम पे टिक 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 की आवाज़ आए तो टैपेट की प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आपकी सीधी सीधी बात है कि क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो करो, लेकिन हमारा दिमाग मत खराब करो, क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है खराब करने दे। ओके, बाय।